बैठ गए और यहाँ पे रश पार्टी शुरू है और बहुत रश है यहाँ पे लकी वन में, बहुत रश है। मोबाइल अपना समेट लो। सुकून देखा था तो तूने? ओ रोशनी, रोशनी हो गई रोशनी। हाँ वेले में देंगे अम्मा, फैले फूले एक ले लो भाई, एक ले लो। हाँ एक दे दे, एक दे दे। हाँ अरे वेले भी फुल है। किसी वेले वाले ने बोला है फुल है, फुल है। सोचे वेले भी फुल है। हम लोग पहुंच गए लकी वन, ये सारे पीछे शॉपिंग कर रहे हैं। वेले वालों ने कहा कि वेला, वेले वालों ने कहा कि पार्किंग नहीं है, इतना बिजी है, इतना बिजी है। पहुंच चुके हैं, छोटी गुड़िया आई हुई है। हाँ छोटी गुड़िया आई हुई है, छोटी गुड़िया को जबरदस्ती लाया, आने का वोट नहीं था। और अम्मी को भी हम लेके आ गए, हालांकि अम्मी की शॉपिंग हो रही है। अम्मी को तो बहुत सारे कपड़े मिले साइमा की तरफ से, अभी कह रही जैसे तुम्हें तो मिलते ही नहीं है। अल्लाह अकबर। अब सारे बच्चे सब अम्मी को पैसे दे, मेरे को नजर नहीं आ रही थी, चले गए। और पीछे पीछे ही बहुत रश था उस दिन तो, पर आज रश अभी तक हमें मिला नहीं है। हम तो पहुंच रहे यहाँ पर। सर ने एक बनाया हुआ है कहानी सुनो, और यहाँ पे फिर जाना है पहले आउटफिटेड, क्योंकि यहाँ कुछ भाई की चीज़ें ली थी जो चेंज भी करानी है और लेनी भी है, फिर जाएंगे अपनी जगह। ये कौन सा फैशन है मुझे नहीं पता चल रहा, ये भी फैशन है। मम्मी ने अब देखना शुरू कर दिया क्या से लेते हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन रश अब बढ़ेगा मेरे भाई के लिए। ट्राउज़र भाई ये वाला है, वो भाई नहीं पहनता बन ट्राउज़र, ये वाला नहीं नहीं पहनता। चले तो जी, ये कलर भाई ने कभी भी नहीं पहना, तो मैंने कहा हम ये ले लेते हैं, ये कलर अच्छा लगेगा भाई पर। एक ब्लैक भी ले लो, इनमें से कोई डिज़ाइन लो। अरे जी हमें मीडियम दोनों मिल गए हैं भाई के लिए, और हम अब जा रहे हैं काउंटर की तरफ। वॉश क्यों नहीं लिया आपने? भाई यही तो देना है, वॉश ले लें आप, आप पे तो सूट भी करेगी घड़ी है। घड़ी तो बहुत ज़रूरी है भाई, खड़े और बिल हमारा होने लगा था, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए और हम लोग रुक गए। पहले काकू जा रही है ट्राई करने, और मैंने लेनी थी पर टाइम लगे। हमने बोला जबार भाई को, जबार भाई आप, जबार भाई, जबार भाई आप अगर मैं जीन्स पहनाऊँ तो आप पहनेंगे? जीन्स अगर याली पहनाऊँ पहनेंगे? चले इनको भी किसी दिन जीन्स पहनाते हैं। खाड़ी और जबार भाई को ले लो, जबार भाई को ले लेना, उनको पता नहीं चला। ऐसे हम देखते हैं कि अगर यहाँ कुछ मिलता है। ऐसे खाड़ी की कलेक्शन तो अच्छी होती है, अब कैसे ये नहीं पता। अच्छा है नहीं है क्या है, घूम घूम रहे हैं सब हम लोग, और आ गए कलेक्शन की तरफ। अच्छा ये तो सारे रेडीमेड है, प्यार है मैंने लेना अनस्टिच, क्योंकि मैं स्टिच वाले कपड़े नहीं पहनती। तो देखते हैं लिया है कलर, अब ये चेक करते हैं कि सही आता है कि नहीं आता, लगता है अच्छा है कि नहीं लगता। खैर ट्राई रूम में जाने के बाद पता चलेगा। लड़कों को भी होता है तो कोई मिरर में खड़े होकर पिक्स बना रहे हैं अपने, समझ तो गए होंगे। मैंने इसको कोई भी सूट अच्छा नहीं लग रहा, और मैंने तो अपना सूट उठा लिया। अब ये मैं चेक करूँगी कि अच्छा लगता है कि नहीं लगता, लेकिन खाड़ी में बच्चियों के लिहाज से कलरफुल अच्छा अच्छा आया हुआ है। मैं इधर ही हूँ आ जाओ। और ये मैंने उठाया तो चलो ट्राई करते हैं ट्राई रूम में चल के। ट्राउजर चल लिया, अगर वो पसंद में आई तो। खैर हमने अपने हाथ में कुछ सूट ले लिया, चलो चलो आज मैंने ये ट्राई कर लिया, लेकिन मुझ पर कभी भी ये रेडीमेड सूट नहीं करता। अभी मैंने पहना है मीडियम, लेकिन मीडियम जो है वो ये देखें थैला, तो मीडियम यहाँ से थैला हो जाता है ठीक है, और जो स्मॉल होता है तो फिर वो थोड़ा सा टेंशन होती है। तो मेरी बहन ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया यहाँ से का रिजेक्ट, क्योंकि ये आपको थैला लग रहा है यहाँ से, क्योंकि स्ट्रेट फिटिंग है तो ये कैंसल। यहाँ से आ गए चप्पलों की तरफ, और काकू ने चप्पल का ऑर्डर दिया। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं रेडीमेड सूट नहीं पहन सकती, इसका भी एक हल निकालना पड़ेगा आप कोई ना कोई। काकू चले गई अपने मतलब की जगह पर, जाने के जल रहे सेशन में, और उसने शूज़ मंगाया। ये तो अपने हर शूज नहीं मिला, तो फिर मैं क्यों नहीं पहन सकती कपड़े ऐसे जो सिले हुए हों? वजह बता दो प्लीज़।
देखो उसने कहा इसका कलर पतला, मीडियम मुझे लूज है, स्मॉल मुझे भर जाता है, ये तो बड़ी ज्यादती है ना। सिस्टर ने मुझे ताना मार ही दिया कि पतले हो जाओ ताकि स्मॉल से फीडिंग पहन सको, क्योंकि मुझे मीडियम यहाँ पे बहुत लूज था और वो बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि इतना प्यारा जोड़ा था, लेकिन मैं रेडीमेड सूट बहुत सालों से नहीं पहन सकती। ये यही तो क्या यही है ये वाला डिजाइन था। चलें जी, ताना मिल गया, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। बस अनस्टिच देखने के लिए, क्योंकि बड़ी बेइज्जती हो गई आज काकू के हाथ। सही बोलती है, कंधा कांगड़ी पतला कुछ भी पहने, सच बोला। अच्छा जी, हम लोग आ गए अनस्टिच पे। अनस्टिच तो उस दिन भी खाड़ी में कोई इतना ख़ास नहीं था, लेकिन अगर अब भी कुछ समझ में आता है तो ठीक है, कि कुछ समझ में आया तो यहाँ से फिर ले लेंगे। जब्बार भाई भी शुरू हो गए देखने के लिए। जब्बार भाई बहुत गौर से देख रहे भाई, मॉडल भी साथ मिल रही है इतने पैसे में, पता है आपको मॉडल भी साथ देंगे 20,000 के जोड़े में, ऑफर ईद के लिए लिमिटेड है। चलिए जी, ये अच्छा लग रहा है तो ये फाइनल कर लेते हैं। कलर भी प्यारा है, हाँ कलर प्यारा है, मैं मुश्किल से एक सूट फाइनल हुआ है। कलर डन है, डन है, डन। बाकी ठीक है, नॉट बैड, लेकिन ये कलर ओके। चलिए जी, मैंने ये मॉडल्स के बगैर ये सूट डन कर लिया, और काकू भी अपनी चीज़ें डन करने में लगी हुई है। का प्यारे, तुम्हारे लिए हर चीज़ प्यारी, तुम जो पहनोगी तुम सजोगी, है ना। इसके साथ तो मसले, मैंने सूट पहना मीडियम, वो मुझे लूज था। अम्मी मुझे कहती है जब भी बोला था पतले हो जाओ, मैंने कहा बहुत ताना मिल गया मुझे, और मैं मीडियम में लूज था और स्मॉल में मेरा फंस रहा था। मैंने बहुत तकलीफ देखी आज, और इसका हल मुझे ईद के बाद निकालना पड़ेगा। मम्मा और जवाहर भाई को भी पेंट शर्ट पहनानी है, मैंने एक दिन इनको जेंटलमैन बनाना है, बाबू जेंटलमैन बनाना है। चले यहाँ से मेरा तो एक जोड़ा आ गया, बाकी भी अम्मी का रह गया, और एक जोड़ा मैंने सफ़ायर का लिया था, और एक और है जो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया, बहुत हसीन है वो, तो मैंने अम्मी का मारा है, बहुत प्यारा जोड़ा मम्मा का मारा है मैंने, लेकिन अम्मी ने इसके बदले कपड़े लिए हैं, ऐसी बात नहीं है, चलाक औरत, चलाक औरत। बहुत प्यारे थे, लेकिन कान नीचे लटक रहे थे, मैंने कहा बहन तेरे कान हमने बुढ़ापे तक चलाने हैं, इसलिए हमने कहा उतार दे, इसलिए हम इसके बूंदे उतरवा रहे हैं। हाँ, सबको छोटी का बहुत फिक्र है भाई। हाँ लटक रहे, हालांकि है प्यारा स्टाइल। चले यहाँ से बस अभी चॉप थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली, काकू ने कुर्ती ले ली है, और मैंने एक जोड़ा ले लिया। यहाँ से हम जा रहे हैं गुलाहमार, ऐसे बड़ी ईद आने वाली, और ऐसे जो है छन 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 छन, मैंने लिया देखो, अच्छा कलर है। थैंक यू तातू, तू अच्छा है जोड़ा, कलर भी अच्छा है, और ये वो ऐसे गर्मी में और आम जगह में सब जगह पहन सकते हैं। खैर यहाँ से हो गया, और अब यहाँ से हम काउंटर पे जाएंगे, और ये जो है ये ना पूड़ी, क्या कहते हैं अम्मी, अम्मी वो छाता मारनी को क्या कहते हैं, क्या करने आए जो लोग मर्द आके देखते हैं दिल को शोरी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फूडी करने आए, कुंडी, कुंडी करने आए हैं, कुंडी करने आए हैं, समझ तो गए होंगे। और कम साथ साथ घुमा रहे हैं, नहीं भाई मेरे बाल, मैं बालती नहीं ज़्यादा, आगे काउंटर और यहाँ से कैश दे के फिर निकलेंगे आगे। के बारे में और कपड़ों के बारे में लेकिन जुल्म नहीं है मम्मा, जिसके 25,000 सैलरी हो मम्मा वो ले सकता है, खाली कुर्ता है, नहीं ले। है भाई जुल्म है ना, किसी ने डाला हुआ था टिकटॉक पे कि क्या मॉडल भी साथ मिलेगी 25,000 रुपए में, तो वही बात है, मजाक तो मैं अपनी जगह, लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी अम्मी को सख्त इतराज है, कपड़े बहुत महंगे हो गए, महंगे हो गए, बहुत महंगे, हम गरीब क्या ले, ये तो है। अब तो लंडा भी महंगा हो गया भाई, सोचा अब लंडा भी महंगा हो गया, जा भाई। अम्मी जान और मैं इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं खाड़ी पे खड़े हैं, और यहाँ से हमने महंगाई है, खुदा का खौफ नहीं लोगों को, खासकर ये ब्रांड जो इतने महंगे हैं, जो ब्रांड है वो बैंड बजा रहे हैं, इनको खुदा का खौफ होना चाहिए, थोड़े प्राइस नीचे रखें ताकि आम 7-8 हज़ार का जोड़ा आ जाए। क्या 15 से शुरू हो रहा है यार, जुल्म है। और अमीर जो है 35 का, पिछले साल हमने लिया था 22 का, अब 34 से शुरू है ना, नहीं 24 से शुरू है, और इतनी महंगाई हमने कुछ लिया ही नहीं है। जब्बार भाई कह रहे मैंने कुछ नहीं लिया, इनको हम बाद में लाया हूँ वही लेके। जब्बार भाई कह रहे मैं तो कुछ नहीं ले सकता, जो मैं लाया हूँ वही लेके जा रहा हूँ। जब्बार भाई आपको हम शॉपिंग कराएंगे, बेफिक्र हो जाओ,
यार ये बच्चा बस लग रहा है, पीछे देखो पीछे इसका पीछे देखने वाला तो नहीं है, लेकिन पीछे देखो पीछे इसका पीछे देखने वाला वाकई नहीं है, समझ तो गए होंगे। चलो ये देखो जरा काकू, तुम काकू तुम इसमें भी हो, ये भी है काकू, तुम इसमें भी हो काकू, पर तुम्हें कपड़े फ्री में कोई भी नहीं देता, कोई नहीं देता, सब यहाँ के पैसे ले रहे हैं। चले जी अपनी बेटी को देख के रुक जाती है, और इस वक्त खाड़ी में माशाल्लाह जगह जगह उसकी तस्वीरें लगी हर जगह। मम्मा कितनी खुश हो रही है, काकू कोई फेवर नहीं दिलाई तो अपने कपड़े से सारे पहंगे लिए। काकू कह रहे वो भी हमें पैसे देते हैं, फ्री में शूट नहीं कराते, तो इसलिए चुप करके यहाँ से अपनी इज्जत बचाओ और बाहर निकल जाओ। इतने स्लो स्लो आ रहे हो तुसी। हाँ हाँ चले चले भाई चले। हम आ गए हैं गुलाइमा दाड़ियास पे, और यहाँ से हम कराएंगे देखेंगे सूट। बहन को तो कपड़े पसंद ही नहीं आए, कह रही बहुत बुरा है उन्ना, बहुत पेंडू है, और एक पेंडू वहाँ पे भी लगा था। आपकी स्पीड 20 भी नहीं है भाई, ये वाला कह रही थी, ये मुझे पसंद आया था ये वाला। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, कपड़े या तो बहुत ही भोंडे या बहुत ही फजूल कपड़े हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। नहीं है कोई सूट अच्छा नहीं लग रहा हमें, मेरे को बताने की कोशिश कर रही हूँ मैंने एक सूट पसंद किया, मेरे का दो ले लेते हैं, मेरे भी पैसे में नहीं डलेंगे क्योंकि हमने 15,000 कम्मी का जोड़ा लिया। अम्मी कहती नहीं, पर अम्मी को पटाते हैं अगर अम्मी वो जोड़ा ले लें तो दो ले लेंगे, अच्छा कलर है। बाकी इतनी बुरी कलेक्शन है, इतनी बुरी, 15,000 से शुरू है लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि गुल अहमद पे बहुत बुरे कपड़े आए, इतने बुरे कपड़े आए जिसकी कोई हद नहीं, बता नहीं सकती कितने बुरे हैं। अगर मैं आपको एक जोड़ा दिखा दूँ तो आपकी चीखें निकल जाएंगी कि ये कौन पहनेगा, मतलब ये कौन पहनेगा। ये लालू खेती लोग भी नहीं पहन पाएंगे, जो वहाँ के लोग होते हैं लालू खेती, अरे क्या कर रहे हो, वो भी नहीं पहनेंगे। चेक करने लग पड़ी है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, नहीं ना जान ही नहीं है कपड़े में। चलो जी ये आ गया, अच्छा बिल्कुल तो बिल्कुल ही प्लेन है मम्मा, इसका दुपट्टा देख लें। चले जी रिजेक्ट हो गया, और गुल अहमद फ्लॉप, बिल्कुल भी अच्छा कुछ नहीं था। इसे यहाँ से निकल रहे हैं, जो हम लाए थे अम्मी का सूट 15,000 का, वो ही डन है, या तो अम्मी बनाएंगी या मैं बनाऊंगी, ये डिसाइड हो चुका है। तो यहाँ से चुप करके निकल रहे हैं और देखते हैं कि हाँ जाते हैं। अब हम लोग आगे जीन में, जीन की कलेक्शन कैसी है ये तो देखते ही बताएंगे, क्योंकि अभी यहाँ का रिव्यू हमने किया नहीं, ना दे सकते हैं बगैर देखे। एक जोड़ा अभी अब तक समझ में नहीं आया, अब नानी का देख रहे हैं कि नानी का कोई नानी के लिए, हाँ ये अच्छा है नानी के लिए। हम ऐसे नानी को लाल पील नीले पिलाते हैं क्योंकि उन पर भी लाइट कलर सूट नहीं करते, तो नानी का तो खैर शायद यहाँ से फाइनल हो जाएगा। तो बाकी के कपड़े यहाँ पे भी कोई अच्छे नहीं है। ये देखें ये भी महानूर लगी हुई है जीन पे, और ये भी महानूर है, ओए होए हाँ, ये सूट तो बल्कि पड़ा हुआ है, तुमने भी पहने भी नहीं, ये सूट घर में बनाई इसने और यहाँ पे लगे पड़े। देखते हैं यहाँ से कौन सा फाइनल होता है, और जब्बार भाई भी हमारे साथ साथ, कौन सा ये दुपट्टा, आई थिंक ये सूट शायद नानी के लिए डन करें क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितने का है? तो ये हम शायद डन कर सकते हैं नानी के लिए। चले नानी का हम इस पर डन करेंगे क्योंकि नानी को कढ़ाइयाँ चुभती हैं, तो ये हो गया डन नानी के यहाँ की माशाल्लाह। और हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं घर की तरफ, और यहाँ पे बच्चा पार्टी हो रही है, तो कितने मज़े से सब लोग बैठे हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये सारा व्यू। और हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बस भी चल रही है, बस इतनी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। अब यहाँ से हमारे घर जाने का टाइम हो गया है, और ये आखिरी मराहल, और बस शॉपिंग भी हो ही गई है टुकर टुकर करके। अनस्टिच्ड कपड़े तो नहीं पहन पाए हम, अफसोस, लेकिन जो था वो ले लिया, और कपड़े बहुत बुरे आए हुए हैं, बहुत महंगे पर बहुत बुरे कपड़े आए हुए हैं। स्टार्ट जो कपड़ा अच्छा है वो 15,000 से शुरू है, और सिले हुए तो 20,000-25,000 का बजट, बहुत महंगा। चले जी हमने सोचा कि थोड़ा सा ये पेट पूजा फिर काम पूजा तो ये ले लेते हैं, फिर यहाँ से लेने के बाद हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। और कौन
क्वालिटी हम तुम्हें बनवा रहे हैं अपना। और अगर अल्टीमेट उसमें मजा आ गया देखकर, यहाँ से हम चाहेंगे ज़्यादा डाल दीजिएगा। ये हमने ले लिया लेकिन मीठे नहीं है कौन और काफ़ी फीके फीके हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग ले जा रहे हैं घर की तरफ। ये था हमारा छोटा सा झटपट शॉपिंग ईद की, बाकी ईद की शॉपिंग हमने पहले की थी वो हम आपको नहीं दिखा पाए, तो बस यही था। और अब मेन काम टेलर के पास जाना और टेलर को मनाना, पता को मनाना और कपड़े सिलाना, तो वो भी हम कल करेंगे क्योंकि अब हम घर जाएंगे, क्योंकि छोटी सी आते हैं वो थक जाती है। खैर यहाँ की माशाल्लाह ब्लॉग आना अब शुरू हो चुके हैं और अम्मी और जबार बेचारे टावा टावा चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो चलो भाई चलो अपनी माँ को पकड़ के चलते जाओ। और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे घर की तरफ, पार्किंग गाड़ी थी है, तो खैर के खाते हैं इंजॉय करते हैं आप लोग भी। अल्लाह पाक बस सब की तरफ खुशियाँ रखे, नजरे बस से बचाएँ। और ये थी बहुत झटपट मेरी ईद की शॉपिंग क्योंकि मैं एन स्टिच इसलिए पहनती हूँ कि सिले भी के बहुत मसले थे, वो मसले क्या थे आपको समझ में आ गए होंगे क्योंकि मैंने आज बहुत तफसील से समझा दिया है। खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, पीछे पीछे अभी आ रही है, एक आ रही है और बेहतर से खुदा हाफिज़।